हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। आज मैं आरसीसी का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ और इस लेक्चर में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम सिंगली रीइंफोर्स बीम का एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अजम्पशन देख लेते हैं आरसीसी के, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला अजम्पशन है आरसीसी में जो अज्यूम किया गया है कि स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन दैट इज इक्वल टू 0.0035। ये मैक्सिमम स्ट्रेन है, इससे ज़्यादा स्ट्रेन कॉन्क्रीट में नहीं आ सकता। ये पहला अजम्पशन है। सेकेंड अजम्पशन ये है कि स्ट्रेन डायग्राम जो रहेगा वो लीनियर रहेगा। थर्ड अजम्पशन ये है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ऑफ कॉन्क्रीट इट इज़ इग्नोर्ड, यानी कि जो भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी वो आपके स्टील के द्वारा बियर करी जाएंगी और कॉन्क्रीट के द्वारा जो भी आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही है उन्हें हमें इग्नोर करना है। ठीक है, तो इन तीन अजम्पशंस का हमें यूज आएगा। उसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं कि स्ट्रेन इन स्टील इन टेंशन, उसका भी हमारे पास फॉर्मूला दिया है। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कर दिया, साथ ही जो हमने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखा था उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया और साथ में हमने एक ऑफसेट लिया है 0.002 का। तो ये जो फॉर्मूला बन गया है ये आपका है स्ट्रेन इन स्टील इन टेंशन। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का हमें यूज आएगा। उसके बाद हम कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में देख लेते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका परमिसिबल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो हमारे पास दो मटेरियल है, एक कॉन्क्रीट है और एक स्टील है। उन दोनों मटेरियल्स में हमें परमिसिबल स्ट्रेसेस को देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्क्रीट के लिए। ठीक है, तो जो कॉन्क्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ आ गया सिग्मा, यहाँ आ गया स्ट्रेन। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया तो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कॉन्क्रीट का जो मिला वो ये मिला। तो ये इसको मैं बोलूँगा ये आ गई FC के, जो हमें आपकी लैब से मिली हुई है, ये हमें लैब में मिली है। उसके बाद क्या हुआ है, जब आप फील्ड में गए तो हमने देखा कि ये जो FCK है उसमें हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगानी पड़ी। तो इस FCK को जब मैं 1.5 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.67 FCK। ये जो वैल्यू है ये आपकी फील्ड की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 0.67 FCK इस तरीके से। अब उसके बाद जब हम डिज़ाइन करेंगे तो हम इसमें फिर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, तो 0.67 को हम फिर से 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 0.45 FCK। तो ये है हमारी क्या डिज़ाइन वैल्यू 0.45 FCK। तो ये हमारी परमिसिबल स्ट्रेस है कॉन्क्रीट के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड हमारा जो मटेरियल है वो है आपका स्टील। ठीक है, तो स्टील में देखिए जो आपकी यील्ड स्ट्रेस है वो है FY और इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे। तो स्टील में जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ किया था वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वो है 1.15। तो ये 1/1.15 करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 0.87 FY। तो ये है आपकी परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। और कॉन्क्रीट के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो है 0.45 FCK। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, इसी के बेसिस पे हम आगे डिज़ाइन करेंगे। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस को हम कम करेंगे। देखिए ये FY था उसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया है। जब हम लोड की बात करेंगे तो लोड को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट्स जो होंगे उनको हम बढ़ाएंगे और जो इंटरनल एजेंट्स होंगे उनको हम कम करेंगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अब हम देखते हैं सिंगली रीइंफोर्स बीम का एनालिसिस करना। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। देख लीजिए, ये क्रॉस सेक्शन है एक बीम का, ये इसकी विड्थ है, इसको मैं स्मॉल बी से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कुछ बार्स प्रोवाइड करी हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी ओवरऑल डेप्थ है उसको कैपिटल डी से डिनोट कर दिया। उसके बाद ये वाला जो सेंटर से डिस्टेंस है टॉप फाइबर का इसको स्मॉल डी से डिनोट कर दिया। और जो ये जो सेंटर से लेके
बाहर एक्सट्रीम फाइबर तक है, इसको मैंने डी डैश से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ये विड्थ है, ये ओवरऑल डेप्थ है, ये स्मॉल डी जो है वो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, और जो डी डैश है वो आपका इफेक्टिव कवर है। ठीक है, तो अब हमें इसका एनालिसिस करना है, और ये है आपकी न्यूट्रल एक्सिस इस तरीके से। तब देखिए, अभी हमने एजम्पशन देखा था कि स्ट्रेन डायग्राम जो रहेगा वो लीनियर रहेगा, तो इसका मैं स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूं। तो ये बन गया इसका स्ट्रेन डायग्राम। तो ये देखिए, यहां पर जो स्ट्रेन आ रही है ये स्ट्रेन है इन स्टील, तो एप्सिलॉन एस टी, और जो ऊपर आ रही है वो है स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, यानी कि एप्सिलॉन सी सी। ठीक है, तो अब यहां देखिए, अगर मैं इसका सिमिलर ट्रायंगल बना दूं यहां से इस तरह से, देखिए इसको अगर अपन ट्रायंगल ले ले, ये आ गया। तो अब देखिए, ये जो डेप्थ है यहां से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक, उसको हम डिनोट करते हैं एक्स यू से, यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है आपकी एक्स यू, और यहां से लेके यहां तक की जो डेप्थ है वो है स्मॉल डी। तो अगर मैं यहां पर सिमिलर ट्रायंगल लगाऊं, तो एक ट्रायंगल ये यहां से इतना बन रहा है, और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका यहां से यहां तक, यानी कि एक्स यू डेप्थ तक आपका जो स्ट्रेन है वो है एप्सिलॉन सी सी, और डी डेप्थ तक जो आपका स्ट्रेन है वो हो गया एप्सिलॉन एस टी प्लस एप्सिलॉन सी सी, यानी कि एप्सिलॉन एस टी प्लस एप्सिलॉन सी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसका आपका आपको यूज आएगा डिजाइन करने में। यहां पर चाहे तो आप इनकी वैल्यूज को भी पुट अप कर सकते हैं। अभी हमने देखा एप्सिलॉन सी सी की जो वैल्यू है वो होती है 0.0035, और एप्सिलॉन एस टी की होती है 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002। तो ये सिर्फ एप्सिलॉन एस टी की वैल्यू आई है, इसमें हमें प्लस करना है एप्सिलॉन सी सी को, दिया जाएगा 0.0035। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला बन गया। जो ई एस है, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है, इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, ई एस इज इक्वल टू 2×10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर मैं ये यहाँ रख देता हूँ, तो इस पूरे फॉर्मूले में आप देखिए, ये जो एक्स यू बाई डी का जो रेशियो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, जो है आपका एफ वाई। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं एक्स यू बाई डी जो है वो सीधे सीधे एफ वाई पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, या चाहे तो आप ई एस की वैल्यू को पुटअप करके इसका आगे वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। तो वहाँ पर आ जाएगा 700 अपॉन, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 1100 प्लस 0.87 एफ वाई। ठीक है, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, बस मेन चीज़ ये है कि अब ये सिर्फ एफ वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास तीन तरह के ग्रेड हैं, उन तीन तरह के ग्रेड के हिसाब से एक्स यू बाई डी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है एक्चुअली, अगर अब हम देख रहे हैं तो अभी हमने ये बैलेंस सेक्शन मान के रखा है, तो ये एक्स यू मैक्स है इस तरीके से। ठीक है, तो एक्स यू मैक्स बाई डी का जो फॉर्मूला बना है वो सिर्फ एफ वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप आई एस कोड में जाएंगे तो पेज नंबर 70 के ऊपर आपको इनकी वैल्यूज मिल जाएगी, जो मैं यहाँ अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स यू मैक्स बाई डी, और यहाँ मैं रख रहा हूँ एफ ई की वैल्यू को। ठीक है, तो तीन तरह की एफ ई हैं, एफ ई को मैं एफ वाई लिख देता हूँ यहाँ पर, जो यील्ड स्ट्रेस है। एफ वाई पहली है आपकी 250, सेकेंड है आपकी 415, और थर्ड है आपकी 500। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में या उस फॉर्मूले में आप अगर एफ वाई की ये वैल्यूज को पुटअप करेंगे, तो एक्स यू मैक्स बाई डी का आपको रेशियो निकल के आ जाएगा। तो वो रेशियो मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आएगा 0.53, ये आ जाएगा 0.48, और ये आ जाएगा 0.46। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। मैक्सिमम टाइम पर आपको ये जो एफ ई 415 है इसका यूज़ आता है, तो 0.48 को आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये था आपका एक्स यू मैक्स बाई डी का रेशियो से रिलेटेड। अब हम जाएंगे इसके स्ट्रेस के एनालिसिस पर। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ,
तो अब यहाँ पर मैं स्ट्रेस डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हुआ है कि जो स्ट्रेस डायग्राम होता है, जो हमने अभी बनाया भी था, वो कुछ इस तरीके का होता है कि इनिशियली रेक्टेंगुलर रहेगा और उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस तक पैराबोलिक हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये आपका जो आ रहा है, ये जो डिस्टेंस आया है, ये आ रहा है 0.42 ऑफ एक्स यू, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसके नीचे कुछ भी स्ट्रेस नहीं आई है। उसका रीज़न ये है कि हमने अजम्पशन में देखा था कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, उसको पूरी तरह से इग्नोर किया गया है, यानी कि जो भी स्ट्रेसेस आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टील के अंदर आएंगी, इसलिए यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं आया है स्ट्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी स्टील के लिए एक आएगा, तो यहाँ एक आपका टेंसाइल फोर्स आ गया टी, और ऊपर आपका एक कंप्रेसिव फोर्स आएगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया सी सी, ठीक है। अब C और T के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम Z से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहाँ कर दिया इसको Z। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं Z निकालना चाहूँ तो इस D में से मैं इस 0.42 XU को माइनस कर दूँ तो मुझे Z का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं Z इज इक्वल टू 0.42 D माइनस 0.42 XU, इस तरीके से, ठीक है। इस Z को हम बोलते क्या है, इसे हम बोलते हैं लीवर आर्म। क्या होता है ये, आपके टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं लीवर आर्म। उसके बाद देखिए ये जो C है और ये T है, अब देखिए T क्या है, फोर्स है। फोर्स यानी कि आपका होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, तो स्ट्रेस हमें परमिसिबल स्ट्रेस लेनी है, तो ये आ जाएगा 0.87 FY, और एरिया ऑफ स्टील को हम डिनोट करते हैं AST, AST का मतलब है एरिया ऑफ स्टील, और T का मतलब है टेंशन। सिमिलरली जब मैं इसका पूरे का एरिया निकालूंगा तो जो C का फॉर्मूला बनेगा वो आएगा 0.36 FCKB इंटू XU। तो यहाँ से मुझे C का फॉर्मूला मिल गया और मुझे T का फॉर्मूला मिल गया। अब इनकी मदद से हम क्या करेंगे, हम आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे इस बीम के लिए, ठीक है। तो अब मेरे पास जो MU है उसके दो फॉर्मूले निकल के आ गए, या तो मैं ये कर सकता हूँ C इंटू जेड कर सकता हूँ तो अभी मोमेंट निकल आएगा, या फिर अपन T इंटू जेड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन रखना है तो हम इससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इससे इक्वेट करके एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इन फॉर्मूलेस को रख देता हूँ तो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, C की वैल्यू है 0.36 FCKB इंटू XU, और Z का जो फॉर्मूला है दैट इज D माइनस 0.42 XU, इस तरीके से। अभी फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, उसको हम डिराइव करते हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसी से हमें निकालना है। तो अब यहाँ देखिए, अब अगर यहाँ से मैं D को कॉमन निकाल लूँ बाहर तरफ, और मैं इस XU को यहाँ लिखा रहने देता हूँ XU, और मैंने क्या किया, यहाँ से D को कॉमन निकाल लिया, आ गया 1 माइनस 0.42 XU, और क्योंकि D को कॉमन निकाला है तो वो डिवाइड में चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये बाहर आ गया बी इंटू डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे यहाँ पर भी एक्स यू बाई डी मिल गया। तो अगर डिवाइड यहाँ किया, ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी है इसका स्क्वायर पहुँच जाएगा, तो ये हो गया डी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बन के आया है, ये है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। बैलेंस सेक्शन के लिए जब XU को हम रखेंगे तो XU मैक्स रखते हैं, तो अगर हम XU मैक्स बाय D का फॉर्मूला रख देंगे तो जैसा आपका स्टील का ग्रेड दिया रहेगा उस हिसाब से हम XU मैक्स बाय D की वैल्यूज को पुट अप कर सकते हैं, जो हमने अभी यहाँ रखी थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं Fe415 रख दूँ तो XU मैक्स बाय D की वैल्यू होती है 0.48, तो जब मैं XU मैक्स बाय D की वैल्यू 0.48 यहाँ पर पुट अप करूँगा तो ये जो फॉर्मूला है ये रिड्यूस होकर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। MU उसे हम बोलने लगेंगे MU लिमिटिंग, क्योंकि आपका बैलेंस सेक्शन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.138 FCKBD², ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ बताया काय के लिए, Fe415 के लिए। सिमिलरली आप 250 और 500 के लिए भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया है इस फॉर्मूले में, मैंने XU मैक्स
बाय डी की वैल्यू को 0.48 बस रख दिया है, बस और कुछ भी नहीं किया, इस फॉर्म में 0.48 रख दिया है एक्स वी मैक्स बाय डी की वैल्यू को, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद हमें पता है मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, ये मैं आप कर रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद हमें पता है कि जो मोमेंट का फॉर्मूला होता है एम यू दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू यू एल स्क्वायर बाई एट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम ये जानते हैं। तो अगर मुझे मोमेंट की वैल्यू आ गई तो यहाँ से अगर मुझे लेंथ गिवन है तो मैं लोड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ जब हम एरिया ऑफ स्टील निकालने की कोशिश करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया है, इसको हम टी इंटू जेड से इक्वेट करेंगे, तो वहाँ सारा फॉर्मूला रखने के बाद एक ए एस टी का फॉर्मूला निकल के आएगा। ये फॉर्मूला आपको बी सी पुनमिया में भर मिलेगा, और कहीं ये फॉर्मूला दिया नहीं है तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा इसको ब्लू में लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ जाएगा 1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू में आएगा बी इनटू डी। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला है, इसी से हम एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ ध्यान में रखने वाली दो चीज़ें हैं कि आपका एफ सी के और एफ वाई जो है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है, इसलिए जो आप बी और डी की जो वैल्यूज रखेंगे वो आप रखेंगे एमएम में, जो बी और डी है ये इनकी आपको एमएम में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 300 एमएम दिया है तो आपको बी की वैल्यू को 300 रखना पड़ेगा, ना कि 0.3 जो कि मीटर में आ जाएगी। साथ ही साथ जो एम यू का है, आप जब वहाँ से निकालेंगे तो इस एम यू को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको न्यूटन एमएम में रखना है। जब न्यूटन एमएम में रखेंगे यानी कि यहाँ पर 10^6 के साथ वाली जो चीज़ आती है उसको रखेंगे, है ना। अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ हमें करनी है सिंगली रीइंफोर्स बीम के एनालिसिस के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करें, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि एक्स यू को फाइंड आउट करने को बोलेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि आपका किस तरह का सेक्शन है, यानी कि टाइप ऑफ सेक्शन, टाइप ऑफ सेक्शन में बैलेंस सेक्शन है, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें एक्स यू की वैल्यू को एक्स यू मैक्स की वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा, या फिर हम एक्स यू बाई डी और एक्स यू मैक्स बाई डी को कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड जो आपका न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपसे बोलेगा कि आप एम यू को फाइंड आउट करें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें। इसी के साथ में एक एडवांस में ये फॉर्मूला क्वेश्चन आ सकता है कि आप सबको बोलेगा अगर ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है तो आपका एम यू क्या निकालेंगे। ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, अगर आपका ओवर रीइंफोर्स आ गया उस केस में आप एम यू लिमिटिंग को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका आएगा जिसमें आपको डब्ल्यू यू यानी कि लोड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये टोटल लोड है। इसके साथ में एक और एडिशनल आ जाएगा, हो सकता है आपसे डेड लोड और लाइव लोड भी निकालने को पूछ लेगा। ठीक है, तो डेड लोड का तो हमने कल फॉर्मूला देखा था कि डेड लोड डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा इनटू वॉल्यूम होता है, और अगर आरसीसी की बात करें तो उसका गामा इज इक्वल टू 25 है और वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर मैं स्मॉल डब्ल्यू के टर्म में चल रहा हूँ तो यहाँ पे बी इंटू डी का और मल्टीप्लाई कर देना है तो मुझे वेट निकल आएगा, ये स्मॉल डब्ल्यू इस तरीके से। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू डैश कर देता हूँ डेड लोड के लिए क्योंकि ये डब्ल्यू यू जो है ये टोटल लोड को बताएगा। तो इतने तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में। ठीक है, ये थे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके अलावा आपसे बोल सकता है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की डिज़ाइन करो, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को निकालना सीखेंगे एक न्यूमेरिकल की मदद से। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ इससे रिलेटेड।
तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर आरसी बीम ऑफ विड्थ 230 mm एंड ओवरऑल डेप्थ 400 mm हैविंग इफेक्टिव कवर ऑफ 31 mm गिवन दैट टेंशन रीइन्फोर्समेंट ऑफ 4 बार्स ऑफ 12 mm डायमीटर। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फाइंड द टाइप ऑफ सेक्शन, और फिर साथ में लास्ट में बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम सुपर इम्पोज्ड लोड दैट बीम कैन कैरी इफ इट इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पान ऑफ 3.5 मीटर। तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, सारी चीज़ें उसने पूछ ली हैं इसमें, और उसके साथ में लास्ट में उसने बोल दिया है यूज M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। अगर आपसे कभी किसी क्वेश्चन में M20 और Fe415 नहीं भी दिया होता है तो आपसे क्वेश्चंस में हमेशा बोल देते हैं कि एज्यूम एनी डाटा मिसिंग, तो आप अपने हिसाब से एज्यूम करके भी कर सकते हैं, उसमें आपके कभी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डाटा क्या दिया है। तो सबसे पहले गिवन में हम देख लेते हैं, आपसे बोल रहा है एक आरसी बीम है, रीइन्फोर्स कंक्रीट बीम है, जिसकी विड्थ दी हुई है, यानी कि आपको क्या दिया है, स्मॉल बी की वैल्यू दी है, विड्थ वो कितना दिया है 230 mm। उसके बाद आपको ओवरऑल डेप्थ दिया है 400 mm, यानी कि कैपिटल डी दिया है, कैपिटल डी इज इक्वल टू 400 mm। नेक्स्ट आपको दिया है कवर दिया है, इफेक्टिव कवर यानी कि डी डैश दिया है, ये दिया है 31 mm। उसके बाद आपको क्या दिया है, आपको ग्रेड्स बता दिया है, यानी कि Fe415 है, यानी कि Fy की वैल्यू दी है, ये है 415 न्यूटन पर mm2। साथ ही साथ आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बता दिया, मतलब Fck मिल गया, ये दिया है कितना M20, यानी कि 20 मिल गया मुझे, 20 न्यूटन पर mm2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने। पहली चीज़ उसने क्या पूछी है कि आप XU को फाइंड आउट करें, यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को। सेकंड चीज़ उसने बोली है कि आप टाइप ऑफ सेक्शन बताइए। थर्ड चीज़ उसने बोली है आप MU फाइंड आउट करिए। फोर्थ चीज़ पूछी है उसने कि आप लाइव लोड फाइंड आउट करिए। W नहीं पूछा आपसे, डायरेक्टली उसने पूछ लिया है कि सुपर इम्पोज लोड। सुपर इम्पोज लोड का मतलब होता है लाइव लोड। तो ये चार चीज़ें हमसे इस क्वेश्चन में पूछी हैं, तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और दी है इन्होंने, क्या एरिया ऑफ स्टील भी दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 बार्स यूज हुई हैं 12 mm की, तो एरिया ऑफ स्टील को हम कैसे निकालेंगे। एक बार का एरिया होता है, सर्कुलर बार है, तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। डी आपको कितना दिया है, मतलब डायमीटर आपका दिया है 12 mm का, तो पाई बाय 4 इंटू 12 स्क्वायर। तो ये तो निकला एक बार का एरिया। अब आपको बोल रहा है 4 बार्स दी हुई हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो AST इज इक्वल टू, जो इसकी वैल्यू आ रही है, 452.38 mm2। ठीक है, ये आपको वैल्यूज दी हुई है। तो हम एक एक करके चीजों को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं क्या, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि एक्स यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्स यू आ गया तो हमें पता चल जाएगा टाइप ऑफ सेक्शन क्या है। अब एक्स यू को फाइंड करने का तरीका क्या है, हम एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग दैट द सेक्शन इज बैलेंस्ड, तो हम एज्यूम करेंगे कि सेक्शन जो है बैलेंस्ड है, और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स यू को वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फिर हमारे पास एक्स यू में एक्स बाई डी का रेशियो दिया हुआ है, डी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहाँ से हमें एक्स यू की वैल्यू को निकल के आ जाएगा। तो उससे हमें कंपैरिजन मिल जाएगा कि आपका बैलेंस सेक्शन था या अंडर रीइन्फोर्स था। अभी यहाँ देखिए हमारे पास स्मॉल डी नहीं है, तो हम सबसे पहले स्मॉल डी को निकाल लेते हैं। मैं यही निकाल देता हूँ, जो स्मॉल डी है वो कैसे निकलेगा आपका, कैपिटल डी में से मैं इफेक्टिव कवर को माइनस कर दूँ तो मुझे स्मॉल डी निकल के आ जाएगा। तो कैपिटल डी जो है वो आपका 400 mm दिया है, माइनस कर देंगे 31 को,
तो यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ रही है इफेक्टिव डेप्थ की 369। इसको मैं राउंड ऑफ करके 370 कर लेता हूँ, 370 mm। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें क्या करना है, सेक्शन को बैलेंस मानना है। बैलेंस सेक्शन का क्या मतलब होता है कि आपकी कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू आपका टेंसाइल फोर्स। ठीक है, बैलेंस सेक्शन का ये मतलब है। तो सी और टी के हमारे पास फॉर्मूले हैं, इनको हम पुटअप करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 0.36 एफ सी के बी इन टू एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इन टू ए एस टी। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में मेरे पास एफ सी के हैं, बी है, एफ वाई है, ए एस टी है, सिर्फ एक्स यू जो है वो अननोन है। तो यहाँ से एक्स यू का आपका एक फॉर्मूला बन गया। तो देख लीजिए एक्स यू इज इक्वल टू यह जाएगा 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 एफ सी के इंटू बी। आप चाहें तो दोनों तरफ डी से डिवाइड करके एक्स यू बाई डी भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन में आपसे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने को बोला है, इसलिए मैं एक्स यू को निकाल रहा हूँ। तो अब यहाँ पर सारी वैल्यूज को हम पुटअप कर देते हैं और एक्स यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखा 0.87 इंटू 415 एफ वाई की जो वैल्यू है, एरिया ऑफ स्टील दिया है 452, तो ये आ गया 452.38 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू एफ सी की वैल्यू कितनी दी है 20 इंटू बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी एफ सी के एफ वाई रख रहे हैं हमें mm में वैल्यूज रखनी है। तो यहाँ पे एफ सी के था तो जो b की वैल्यू है वो हमें कितनी रखनी है 230। इससे हम इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो वैल्यू आ रही है एक्स की ये आ रही है समथिंग अराउंड 98.6 mm। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल के आ रही है। अब आप क्या करिए एक्स यू को डिवाइड कर दीजिए डी से और एक्स यू मैक्स बाई डी से कंपेयर कर लीजिए तो हमें टाइप ऑफ सेक्शन निकल के आ जाएगा। तो ये हम देखा निकाल लेते हैं जो हमारा सेकेंड स्टेप है। सेकेंड जो आपसे पूछा है टाइप ऑफ सेक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले एक्स यू डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स यू आ चुका है 98.6 डिवाइडेड बाय जो डी है, डी हमने निकाला था 370, तो हम इसको रख देते हैं 370 और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 0.26। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक्स यू मैक्स बाई डी से कंपेयर करना है, उससे हमें पता चलेगा टाइप ऑफ सेक्शन कैसा है। तो अभी देखिए एक्स यू मैक्स बाई डी किसके लिए कंपेयर करेंगे, जो आपका एफ वाई दिया है, एफ वाई आपको दिया है 415, तो 415 के लिए जो एक्स यू मैक्स बाई डी का रेशियो है वो होता है 0.48। ठीक है, पेज नंबर 70 पे दिया है आईएस 456 में, पेज नंबर 70 पे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं एक्स यू मैक्स बाई डी का जो रेशो है वो 0.48 होता है, किसके लिए, एफ ई 415 के लिए। अब 0.48 और 0.26 में से हम कंपेयर कर लेते हैं तो ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी छोटी आ रही है 0.48 से। इसका मतलब जो आपको गिवन सेक्शन है वो आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था अंडर रेनफोर्स सेक्शन मतलब जहां पर एक्स यू बाई डी जो है या कह सकते हैं एक्स यू जो है एक्स यू मैक्स से छोटी आ रही है। तो हमने यहाँ पे एक्स यू बाई डी और एक्स यू मैक्स बाई डी को कंपेयर कर दिया है तो ये आपका छोटा आ रहा है 0.48 से, इसलिए ये आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। ठीक है, थर्ड हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। ठीक, थर्ड चीज जो हमारी है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि MU। तो MU का हमारे पास फॉर्मूला है तो हम उसी को यूज करें क्योंकि हमने एक्स यू बाई डी निकाल लिया, तो वो वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। यह आएगा 0.36 एफ सी के, यहां पे हम क्या कर रहे हैं इसको
एक्स यू बाई डी कर दें और यहाँ आ जाएगा 1-0.42 एक्स यू बाई डी एंड देन यहाँ पे आ जाएगा कितना बी इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्टली सी इंटू जेड वाला फॉर्मूला भी कर सकते हैं, पर अभी मेरे पास एक्स यू बाई डी की वैल्यू मैंने निकाली इसलिए हम यहाँ ये इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू 0.36 इंटू एफ सी की वैल्यू है 20 और एक्स यू बाई डी की वैल्यू हमारी आ रही है 0.26 1-0.42 इंटू 0.26। बी की जो वैल्यू है वो हमें एमएम में रखनी है 230 क्योंकि एफ सी के है यहाँ इसलिए। ठीक है, और डी की वैल्यू 370 का स्क्वायर, सारी वैल्यूज को मैंने एमएम में रखा है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज आएगी वो आपकी न्यूटन पर एमएम में आपका मोमेंट की वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 53.65 इंटू 10^6 न्यूटन एमएम में आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलो न्यूटन मीटर में। अगर किलो में कन्वर्ट करना है तो इसको 10^3 से डिवाइड करना पड़ेगा और एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 10^3 से करना पड़ेगा। तो आपका ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर यही वैल्यू आ जाएगी 53.65 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख लीजिए कि 1 kN इज इक्वल टू 10^6 न्यूटन mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको बहुत ज़्यादा जगह ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब जहाँ पर एफ सी के एफ वाई यूज़ होगा वहाँ हम न्यूटन mm वाली वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे और जहाँ नहीं होगा मीटर वाली चीज़ होगी वहाँ पर हम 10 ये आपकी किलो न्यूटन वाली वैल्यूज़ को हम पुट अप करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा निकल के आ गया ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है कि जो टोटल लोड है वो कितना है। हमें एक्चुअली सुपर इम्पोज लोड पूछा है तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये आ गया, लास्ट स्टेप है ये आ गया सुपर इम्पोज लोड। ठीक है, सुपर इम्पोज लोड निकालने के लिए हमें पहले डब्ल्यू यू को निकालना पड़ेगा, डेड लोड को निकालना पड़ेगा, उसके बाद निकल के आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एम यू इज इक्वल टू डब्ल्यू यू एल स्क्वायर बाय 8। एम यू मैं निकाल चुका हूँ और इफेक्टिव स्पान आपको क्वेश्चन में दिया है 3.5 मीटर, अपन ने यहाँ लिखा नहीं था गिवन में, तो आप यहाँ पर भी लिख लीजिए कि जो आपका एल है वो आपका 3.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ यही ज़रूरत पड़ रही थी इसलिए अपने यहाँ लिख लिया। एम यू की देखिए अब ये एल जो है मीटर में दिया है, तो अगर आपको इस डब्ल्यू यू को किलो न्यूटन पर मीटर में निकालना है तो आप यहाँ पे मीटर में रखेंगे और एम यू की वैल्यू को भी मीटर में रखेंगे। तो जो एम यू की वैल्यू आपकी आ रही थी वो आ रही थी 53.65। मैं यहाँ पुट अप कर देता हूँ 53.65 इज इक्वल टू डब्ल्यू यू को डब्ल्यू यू रहने देते हैं, एल की वैल्यू 3.5 दी हुई है, यहाँ से स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू यू की वैल्यू आ जाएगी, डब्ल्यू यू यहाँ से आ जाएगा, ये वैल्यू आ रही है आपकी कितनी 35 किलो न्यूटन आ रही है, समथिंग 35 किलो न्यूटन पर मीटर में आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एम यू की वैल्यू मैंने कौन सी वाली रखी है, ये किलो न्यूटन मीटर वाली रखी है। इस क्यों रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो एल है वो मीटर में रखा है इसलिए। ठीक है, और इसी वजह से जो आपका डब्ल्यू यू आया है वो किलो न्यूटन पर मीटर में निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो आपका फैक्टर्ड लोड है, अब मुझे आपका निकालना है वर्किंग लोड। तो हम जानते हैं क्या कि डब्ल्यू यू इज इक्वल टू होता है 1.5 इंटू डब्ल्यू, यानी कि अल्टीमेट लोड या फैक्टर्ड लोड इज इक्वल टू लोड फैक्टर इंटू वर्किंग लोड। अब मेरे पास डब्ल्यू यू आ गया है, मुझे इस डब्ल्यू को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से डब्ल्यू यू रख दीजिए आप 35 इस 1.5 को डिवाइड में ले आइए, तो यहाँ से डब्ल्यू निकल के आ गया, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है यार 23.35 आसपास आ रही है। ये हमारा टोटल वर्किंग लोड है। अब जो टोटल वर्किंग लोड होता है W, वो होता है क्या, डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, अब मुझे पूछा है लाइव लोड निकालने के लिए, तो हमें यहाँ पे अभी डेड लोड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेड लोड निकाल लेते हैं, तो डेड लोड इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है गामा इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ से करेंगे हम कितना
गामा की वैल्यू आरसीसी की 25 इंटू जो हमारी बी और डी की जो वैल्यूज हैं वो हम पुट अप कर देते हैं। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि जो गामा है उसकी यूनिट है क्या, इस 25 की जो यूनिट है ये है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ मीटर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो भी आप वैल्यूज को रखेंगे वो मीटर में रखना है। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बी इंटू डी आने वाला है अभी यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 इंटू जो आपका बी दिया है वो आपका 230 mm दिया है, तो यहाँ रख देते हैं 230 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 0.23, 1000 से डिवाइड कर दीजिए इस 230 को, और डी को भी 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 0.4, और इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको डेड लोड की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आ रही है आपकी 2.3। अब देखिए मेरे पास W आ चुका है 23 और डेड लोड आ चुका है 2.3, तो मुझे यहाँ से लाइव लोड निकालना है, तो आप इसमें से ये माइनस कर लीजिए तो लाइव लोड आ जाएगा। तो लाइव लोड इज इक्वल टू हो गया आपका W माइनस डेड लोड, ये आपका 23.35 माइनस 2.3, तो ये फाइनली जो हमारा लास्ट आंसर है वो ये आ गया लाइव लोड, ये आ रहा है समथिंग अराउंड 21 के आसपास आ रहा है, 21.05 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, निकाल सकते हो। तो यहाँ जाकर हमारा पूरा क्वेश्चन ख़त्म होता है, ठीक है। हो सकता है आपको ये सारे क्वेश्चंस ना पूछे, कोई एक चीज़ पूछ ले, तो आपको जो भी पूछेगा आप वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सिंगली रीइंफोर्स बीम के में, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक ही में पूरे करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बीम रहेगी सिंगली रीइंफोर्स बीम, उसका हम डिज़ाइन करना सीखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ डाउट्स आता है तो आप बिल्कुल हमें बताइए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।